हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। वॉरेन बफे कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। किसी भी सौदे में खरीदारी करते टाइम हमने कितना पैसा दिया है, ये है कीमत, और उस कीमत के बदले जो चीज़ मिली है उससे हमें फ्यूचर में कितना फ़ायदा हो सकता है, ये है उसकी वैल्यू। तो सौदा करते टाइम प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते टाइम इसी तरह से सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। तो मान लीजिए कि ये जो कंपनी है एक मशीन है, और कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो मशीन से निकलने वाला कैश है। जैसे किसी पैसे छापने वाली मशीन को किसी भी कीमत पर खरीदना मुनाफे का सौदा नहीं है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकती है, किस ग्रोथ रेट से ग्रो हो सकती है, उसके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, अगर ये सब देखकर प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करते हुए इन्वेस्टिंग करते हैं तो मुनाफे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, जिस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसके पास एक ग्रेट बिजनेस होना चाहिए। ग्रेट बिजनेस मतलब उसके पास कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जिससे कोई और कंपटीटर उस बिजनेस में आसानी से ना घुस सके। अब कैसे पता करें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो एक ग्रोथ बिजनेस है? तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से अगर कंपनी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रही है, अगर कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, अगर कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, और अगर कंपनी आने वाले टाइम में अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है, तो ये एक ग्रेट बिजनेस है। वॉरेन बफे कहते हैं कि चाहे आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदो, लेकिन आपको उस कंपनी को ऐसे एनालाइज करना चाहिए जैसे आप पूरी कंपनी खरीदने वाले हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो अगर कोई कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और उस कंपनी को हम 15,000 करोड़ में खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30 का। अब अगर कंपनी 10 साल तक अपने प्रॉफिट को 20% से ग्रो करती है, तो 10 साल बाद कंपनी का एनुअल प्रॉफिट होगा अराउंड 3100 करोड़। और अगर उस टाइम भी कंपनी 30 के पी पर ट्रेड हो रही हो तो कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 93,000 करोड़। तो अगर इस प्राइस को आज के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो आज इस कंपनी को खरीदना फ़ायदे का सौदा है। अब यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से 20% ग्रोथ के बजाय कंपनी 10% या 5% की ग्रोथ रेट से ग्रो करती है, तो कंपनी की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।